Assalamu alaikum and a very good evening. Namaskar. Aaj Social Democratic Party of India ka press conference karne ka maksad yahi hai ki aane wali 19 tarikh ko Gulbarga mein People Power Conference ke naam se ek bahut hi bada conference hone ja raha tha, lekin kuch वजहात के वजह से ये कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन किया गया है। मैं बहुत ही अफसोस ख़बर है गुलबर्गा के और एतराफ़ के जो एसडीपीआई को चाहने वाले हैं, एसडीपीआई की जो आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, एसडीपीआई के जो काम करने के जो तरीक़े को पसंद करते हैं, उनके लिए अफसोस है। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस दोबारा होगा। वजह पोस्टपोन करने की ये है कि आज सुबह में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमने बुलाया था, डिटेल डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस को बेंगलोर से परमिशन नहीं मिली है। वजह यही है कि जो नुपुर शर्मा का जो केस के वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और दीगर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर पूरे कर्नाटक में रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसी वजह से बेंगलोर से शायद स्टेट गवर्नमेंट या इनकी पुलिस डिपार्टमेंट ही 26 तारीख तक पूरे कर्नाटक में कहीं भी बड़े प्रोग्राम्स, बड़े एहतजाज को परमिशन नहीं दिए हैं। तो उसी को चलते हुए हमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि एक हफ्ते के बाद हमारा ये जो पीपल पावर कॉन्फ्रेंस है वो कर सकते हैं। और जो माहौल है, ये माहौल को ज़रा कंटेनमेंट करने के लिए, इसको थोड़ा स्थिर लाने के लिए हमारे भी कोऑपरेशन पूछे हैं। हम लोगों ने हमारे स्टेट लीडर्स के साथ, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स के साथ डिस्कशन किया। उसके बाद हमने ये सही समझा कि इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेशन देना ज़रूरी है। अगर हम बिना पुलिस परमिशन के अगर हम प्रोग्राम करते हैं 19 तारीख को गुलबर्गा में, क्योंकि गुलबर्गा में उर्स का माहौल है, पूरे देश भर से यहाँ पर ज़ियारत के लिए, ये इतने अच्छे इवेंट के लिए, मनाने के लिए आए हैं, तो ऐसे वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कश्मकश करना एक माहौल को ख़राब करने जैसा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने उनके उस रिक्वेस्ट को कबूल किया है। तो जुलाई में मोस्टली हम सेकेंड वीक ऑफ आफ्टर बकरीद हम लोग ये पीपल पावर कॉन्फ्रेंस करेंगे बोलकर हम उन्हें वहीं पे बात की है। पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट आज हम किए हैं, तो तमाम एसडीपीआई के जो सपोर्टर्स हैं, कैडर्स हैं और वेलविशर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जुलाई सेकेंड वीक को इंशाल्लाह हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो तादाद 19 जून को आने वाली थी उससे इंशाल्लाह डबल तादाद ये जुलाई के महीने में जब हम प्रोग्राम करेंगे उस तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारे एसडीपीआई के तमाम कैडर्स, सपोर्टर्स और वेलविशर्स मेंबर्स और गुलबर्गा की तमाम आवाम से हम दिल की गहराइयों से माजरत खां हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो 19 तारीख को जो पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो रख रहे हैं, इस प्रोग्राम को पोस्टपोन्ड किया जाए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्शंस हैं कि 26 तक कोई भी बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम्स या प्रोटेस्ट वगैरह की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए बोलकर रिक्वेस्ट किए। तो इस वजह से हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करके, स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर्स के साथ बैठकर चर्चा करके हम ये फैसला लिए हैं कि इस 19 तारीख के प्रोग्राम को पोस्टपोन्ड कर इंशाल्लाह आने वाले जुलाई के महीने में दूसरे सेकेंड वीक में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बकरीद के बाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्योंकि इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होने वाले थे, इसीलिए पीर बंगाली ग्राउंड को हम लोगों ने फिक्स किया था। गुलबर्गा में बहुत सारे ऐसे लोग एसडीपीआई से जुड़ना चाहते हैं, एसडीपीआई से जुड़कर काम करना चाहते हैं। देखें वो लोग कांग्रेस के अंदर क्या हालात है,
कांग्रेस अब आईसीओ में पड़ी हुई है और दूसरी ओर जेडीएस 6 महीने में एक बार एक चार्जिंग डोज लेकर आती है, फिर उसके बाद गायब हो जाती है। और दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मुसलमानों के लीडरान मानते हैं, वो अब फ्रेंचाइजी बन चुकी है इस गुलबर्गा के अंदर। तो इसीलिए लोग इन तमाम लोगों से बेजार आकर, ये तमाम जो लीडरान हैं जुम्मा के, ये जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, दूसरी जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, तो ये हालात है। तो ऐसे वक्त में यहाँ के रहने वाले गुलबर्गा की आवाम को एक सही डायरेक्शन और एक सही सियासी सोच समझ देने के लिए सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसीलिए एसडीपीआई का एक एसडीपीआई ही एक अल्टरनेटिव है बोलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो लिहाजा आने वाले जुलाई में और बड़े पैमाने पर इसको तैयारी करके और तैयारी के साथ हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। यही गुजारिश करते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो काम किया है, उन तमाम लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। शरण शरणार्थी। ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ, ಎಸ್ ಡಿ ಪೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. 26ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.